Hello dear student, welcome to another audio note with me, CA Preeti Aggarwal. We are discussing the entire syllabus of business law with the help of these audio notes. For detailed podcast videos where we discuss the section numbers, case laws and other keywords, key sentences type of questions, for a detailed podcast you can visit my website capreetiaggarwal.com. Podcast ka fayda bahut hai, क्योंकि बार बार सुनने से जैसे गाने याद हो जाते हैं वैसे ही प्रोविजंस भी याद हो जाएंगे. हमारा कॉम्बो भी अवेलेबल है विद बिज़नेस लॉ बुक, जहां से हम थ्योरी को अपने सामने रख के ऑडियो सुनते रहेंगे. बार बार सुनने से वो याद भी हो जाएगा. एंड यू ऑल्सो हैव अ कॉम्बो ऑफ द कंपाइलर विद रिविजन पॉडकास्ट. कंपाइलर इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल द पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, स्टडी मटीरियल, आरटीपी, एमटीपी क्वेश्चन अरेंज यूनिट वाइज. और उसमें तो आंसर्स भी हमने वैसे दिए हैं जैसे एग्जाम में लिखना है. प्रोविजन्स, फैक्ट्स ऑफ द केस, एनालिसिस, कंक्लूजन हमारी वेबसाइट पे सैम्पल पेजेस मिल जाएंगे, तो लिंक वहाँ से देख लेना. हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वॉइड एग्रीमेंट के बारे में, अनलॉफुल कंसिडरेशन, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के बारे में, वेजरिंग किया था. आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीमेंट्स विच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. अच्छा, बिफोर आई फॉरगेट, हमारे मैराथन रिविजन लेक्चर्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन यूट्यूब. तो पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की रिकॉल रिविजन करवा रही हूँ मैं अभी. रिकॉल मतलब हम ट्राई करेंगे कि जो हमने प्रोविजंस पढ़े हैं वो हम रिकॉल करें, ठीक है. तो वो रिकॉल रिविजन इज़ ऑल्सो अवेलेबल, ताकि ये सारे कीवर्ड जो है एग्जाम में सिर्फ पढ़ते ना रहे, हमको याद भी आने चाहिए. तो हमको रिकॉल होना चाहिए कि कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, प्रोविजंस हैं. सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा, वो प्रोविजंस एग्जाम में याद होने चाहिए, याद आने चाहिए. तो वो हिसाब से रिकॉल रिविजन चल रही है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो आप वो भी जाके ज़रूर देखना. चलो, एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में क्या आएगा? एग्रीमेंट्स विच आर अगेंस्ट द वेल बींग और वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. सो दीज आर वेरियस एग्रीमेंट्स जो सोसाइटी के, देखो सोसाइटी हमको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करने की परमिशन तो देती है, लेकिन वो हमें ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं करने देगी विच आर अगेंस्ट द वेल बींग और वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. सच एग्रीमेंट्स आर वॉइड. कभी कभार यहाँ पर इलीगल भी हो जाता है, लेकिन आपको एग्जाम में इतने डिटेल में नहीं है, आपने सिर्फ वॉइड लिख दिया तो ही चलेगा. सबसे पहले तो है एग्रीमेंट्स ऑफ ट्रेडिंग विद एनिमी. कैन यू एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग वॉर? नो, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है. लेकिन मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद वॉर डिक्लेयर हो गई, मुझे तो इतना पता था कि वॉर होने वाली है, मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. तो फिर अगर वो बेनिफिटिंग दी एनिमी है तो डिसॉल्व हो जाएगा, और अगर नहीं है तो वो सस्पेंड कर देंगे, और जब वॉर ख़त्म हो जाएगी तो उसको रिवाइव कर देंगे. एग्रीमेंट्स फॉर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन. टू स्टिफल मीन्स टू स्टॉप, प्रोसिक्यूट मीन्स टू फाइल अ केस. सो हियर वी आर स्टॉपिंग वन सेल्फ फ्रॉम फाइलिंग अ केस. ये तो सिस्टम का अब्यूज़ हो गया. ये तो लॉ ने एक पूरा सिस्टम बनाया है जहाँ पर आप केस फाइल करो एंड यू नो यू कैन रिपोर्ट द क्राइम, उसके ऊपर ट्रायल होगा, केस फाइल किया जाएगा. आप तो बस ट्रेडिंग कर रहे हो यहाँ पर. तू मुझे पैसे दे, मैं तुझे फ्रीडम दूंगा, मैं तेरा क्राइम रिपोर्ट ही नहीं करूँगा. जैसे ए प्रोमिसज टू ड्रॉप प्रोसिक्यूशन विच ही हैड इनिशिएटेड अगेंस्ट बी फॉर रॉबरी. बोलते तू मेरे को जो चुराई हुई चीज़ें हैं ना वो सारा कुछ दे दे, दूसरे का भी दे दे, और मैं तेरे पे केस नहीं करूँगा. यहाँ पे लॉ ने एक पूरा सिस्टम बनाया है. वन हु हैज़ कमिटेड क्राइम मस्ट बी पनिश्ड. यहाँ पे तुम पैसे लेके उसके साथ ट्रेडिंग कर रहे हो, तो तू पैसे दे और फ्रीडम ले ले. सच एग्रीमेंट्स आर वॉइड. इन पे केस बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं मोस्टली. तो यहाँ पर आपको जो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं मेरे टेक्स्ट बुक में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इसमें जो के एग्जांपल्स मैंने दिए हैं उसी पे केस बेस्ड क्वेश्चंस, उसी को कन्वर्ट कर देते हैं क्वेश्चंस में और पूछ लेते हैं एग्जाम में. अच्छा, नेक्स्ट वी हैव एग्रीमेंट इंटरफियरिंग विद द कोर्स ऑफ जस्टिस. जज को पैसे दे दिए, विटनेस को पैसे दे दिए, तो सब मेरे फेवर में ही बोलना, पुलिस को पैसे दे दिए. तो इन दिस केस यू आर ट्राइंग टू टैम्पर एविडेंस, डिस्ट्रॉय एविडेंस, यू आर ट्राइंग टू इंटरफियर विद द सिस्टम ऑफ जस्टिस, यू आर फोर्सिंग द ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट टू एक्ट पार्शली और करप्टली. सच एग्रीमेंट्स आर वॉइड. मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट. ब्रोकर कौन होता है? वो एक मिडल मैन होता है, बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करवाता है. अब मैरिज क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे आर यू बाइंग और सेलिंग समथिंग? नहीं ना. आर यू बाइंग द बॉय, आर यू सेलिंग द गर्ल? ऐसा तो कुछ भी नहीं है. तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर वन पार्टी और बोथ द पार्टीज और देयर पेरेंट्स और सम थर्ड पार्टी रिसीव्स मनी आफ्टर द मैरिज टेक्स प्लेस, देन दे आर एक्टिंग लाइक ब्रोकर. जैसे डाउरी हो गई, तो वहाँ पर तो आपको पैसे मिलेंगे जब शादी हो जाएगी. द डाउरी इज़ कंसिडर्ड एज अ मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट.
सच एग्रीमेंट इज़ वॉइड. अगर शादी हो भी गई पैसे नहीं मिले तो आप केस तो नहीं कर सकते. देन यू हैव इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लीगेशन. इंटरेस्ट मतलब मनी, ऑब्लीगेशन मतलब जो आपकी ऑब्लीगेशन थी उसके अगेंस्ट आपको पैसे मिल रहे हैं. जैसे मैनेजर का जॉब है कि जो डिज़र्विंग पार्टी है ना कॉन्ट्रैक्ट हम उसी के साथ करें, लेकिन यहाँ पर वो बोल रहा है कि मैं तेरे को कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, तू मेरे को ब्राइब दे, तू मुझे पैसे दे. तो यहाँ पर तुमको तो पैसे मिल रहे हैं टू गो अगेंस्ट योर ऑब्लीगेशन. योर ऑब्लीगेशन इज़ टू, यहाँ पर जो आपका ऑब्लीगेशन टू गिव द कॉन्ट्रैक्ट टू द डिज़र्विंग कैंडिडेट. आप तो ऐसे पर्सन को दे रहे हो जो आपको पैसे देने को तैयार है, जो आपको ब्राइब दे रहा है. यू आर गोइंग अगेंस्ट योर ऑब्लीगेशन, एग्रीमेंट इज़ वॉइड. ऐसा बिजनेस हम नहीं कर सकते हैं. सेल और ट्रैफिकिंग ऑफ पब्लिक ऑफिस. योर पब्लिक ऑफिस मीन्स गवर्नमेंट जॉब. तो हियर यू आर फोर्सिंग इनएफिशिएंसी, करप्शन. ये हमारे कीवर्ड्स हैं, ये आपके आंसर में आने चाहिए. आप इनएफिशिएंसी क्योंकि ब्राइब दे रहे हो. यू आर सेलिंग द गवर्नमेंट जॉब्स. जैसे सीनियर मैनेजर है उसने जूनियर मैनेजर है उसने सीनियर मैनेजर को पैसे लेके और उसको बोल दिया कि भाई तू जल्दी रिटायर हो जा, ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, ये इस पर क्वेश्चन आते हैं. बोला तू जल्दी रिटायर हो जा, तेरी पोजिशन मेरे को मिल जाएगी. तो जूनियर मैनेजर ने सीनियर मैनेजर को पैसे लेके सीनियर मैनेजर को रिटायर करवा दिया और उसकी जगह पर आ गया. अब जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो तो रह जाएगा, जो ब्राइब देने को तैयार है जॉब उसको मिल जाएगी. सच एग्रीमेंट्स आर वॉइड. एग्रीमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ मोनोपोली. आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, यू आर क्रिएटिंग अ मोनोपोली. आप मोनोपोलिस्ट टेंडेंसीज को प्रमोट कर रहे हो. सच एग्रीमेंट्स आर वॉइड. द एग्रीमेंट हुज ऑब्जेक्ट इज़ टू क्रिएट मोनोपोली, दैट इज़ अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी एंड वॉइड. क्योंकि यही होगा ना, फिर फ़ायदा उठाया जाएगा ना लोगों का. जैसे लोकल बॉडी म्यूनसिपैलिटी ने मोनोपोली दे दी एक वेजिटेबल वेंडर को कि ये एरिया में तू ही वेजिटेबल सेल करेगा. नाउ इन दिस केस अगर उसको वो वेजिटेबल वेंडर को अगर हमने मोनोपोली दे दी है तो वो जो प्राइस बोलेगा बाकी सब उसी प्राइस पर खरीदेंगे. ये सुनो, तो इन दिस केस आप अगर मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो देन सच एग्रीमेंट्स आर वॉइड. वन वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज चैम्पटी एंड मेंटेनेंस. में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आते हैं, मैं चैम्पटी और मेंटेनेंस क्या होता है. अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो. एक्स ना बहुत ही पुअर है, ओके. तो उसके पास ना केस फाइल करने के पैसे नहीं है, तो वो अपने फ्रेंड के पास जाता है वाई के पास. वाई को बोलते हैं यार बड़ी टेंशन है, मुझे केस फाइल करना है, मेरे पास पैसे नहीं है. वाई बोलते डोंट वरी, मैं तेरी मदद करूँगा. एक्स बोलते देख लेकिन मैं तेको रीपे कैसे करूँ, मेरे पास तो पता नहीं शायद उतना भी कुछ होगा नहीं प्रॉब्लम. अरे तू चिंता मत करना, तू जब जीत जाएगा ना जो भी तेको पैसे मिलेंगे उसमें से मुझे दे देना. तो ठीक है ना. तो फिर वो बोलते हैं कि जो भी तुझे वहाँ पे पैसे मिलेंगे उसमें से मेरा शेयर मुझे दे देना. नाउ इन दिस केस जब आप वो प्रोसीड्स को शेयर करने की बात कर रहे हो दैट इज़ नोन एज चैम्पटी. अब अगर शेयरिंग ना होकर आप बोलो जितने पैसे मैं दे रहा हूँ उतना मुझे रिटर्न कर देना, देन दैट इज़ नोन एज मेंटेनेंस. बात एक ही हो रही है, हम हेल्प कर रहे हैं किसी को टू फाइल अ केस, लेकिन अगर वो पैसा नहीं दे पा रहा है तो हम बोलते कोई बात नहीं अभी मत दे, तो जो प्रोसीड्स मिलेंगे ना उसमें से मुझे दे देना. या फिर आप कुछ थोड़ा सा ही शेयरिंग करवा, जैसे 100,000 तेरे को मिलने वाला है ना कॉम्पेंसेशन, उसमें से 30,000 मेरे को दे देना. या फिर आप उसको बोलो कि जितना दिया उतना वापस कर देना. तो हेल्प तो दोनों में हो रही है, फ़र्क क्या है. चैम्पटी में आप एक शेयर मांग रहे हो, लेकिन मेंटेनेंस में जितना दिया है उतना ही मांग रहे हो, दैट इज़ नोन एज मेंटेनेंस. तो ये थे ऐसे एग्रीमेंट्स विच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. अब सुन लेते हैं एग्रीमेंट्स विच आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड. इन पे थ्योरी क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम है, केस बेस्ड ही आएगा. सेक्शन 24 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इन पार्ट. तो कंसिडरेशन जो पार्टली लॉफुल है पार्टली अनलॉफुल है, अगर आप इन दोनों को सेपरेट कर सकते हो तो जो लॉफुल पार्ट है वो वैलिड हो जाएगा और जो अनलॉफुल है वो वॉइड हो जाएगा. लेकिन अगर सेपरेट नहीं कर सकते देन द एंटायर अग्रीमेंट विल बिकम इलीगल एंड वॉइड. सेक्शन 26 एग्रीमेंट्स एंड रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज. नाउ यू कैन नॉट स्टॉप समवन फ्रॉम मैरिंग अ पर्सन ऑफ हिज और हर चॉइस. इंडिया इज़ अ फ्री डेमोक्रेटिक कंट्री, आप किसी को रोक नहीं सकते. लेकिन अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मैं आपको पैसे दूंगी आप ये वाई से शादी मत करना, मैं आपको पैसे दूंगी आप कभी भी शादी मत करना. इंडिया में कंप्लीट हो या पार्शियल हो हर तरीके का रिस्ट्रेंट वॉइड है. तो एग्रीमेंट्स जो आपको शादी करने से रोक रहे हैं या किसी पर्टिकुलर पर्सन से शादी करने से रोक रहे हैं और आपको पैसे का लालच दे रहे हैं, सच एग्रीमेंट्स आर वॉइड. ओके. एग्रीमेंट्स एंड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड सेक्शन 27 सुपर सुपर इम्पॉर्टेंट है फॉर एग्जाम. बहुत सारे केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर. देखो अब
मुझे कोई रोक नहीं सकता टू कैरी ऑन एनी लॉफुल बिजनेस ट्रेड प्रोफेशन, मेरी मर्जी है मुझे जो करना है. एनी एग्रीमेंट रिस्ट्रेनिंग इट वेदर टोटली और पार्शली इज वॉइड. तो एक्स ने वाई से कहा, ये ले 5 लाख रुपए, तेरा बिजनेस बंद कर, ये मेरा एरिया, यहाँ पे सिर्फ मैं ही बिजनेस करूँगा. सच रिस्ट्रेनिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड. आप किसी को लॉफुल बिजनेस करने से रोक नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शंस हैं. अंडर दीज एक्सेप्शनल केसेस द एग्रीमेंट इज़ वैलिड. थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन है लेकिन वो फिर भी वैलिड है. लाइक सेल ऑफ गुडविल. अब मैंने आपको मेरा बिजनेस सेल कर दिया और आपको मेरी गुडविल भी दे दी. अब आप मुझे बोल रहे हो कि आप प्लीज़ यही एरिया में सिमिलर बिजनेस स्टार्ट मत करना, क्योंकि लोग तो आपको जानते हैं, वो आप ही के पास आएंगे बिजनेस करने, फिर आपका ये बिजनेस खरीद के मेरा क्या फ़ायदा होगा. तो ये एरिया में मत करो, बाकी कहीं पे भी कर लो ना. सच एग्रीमेंट्स आर वैलिड, लेकिन मैं आपको जो भी रिस्ट्रिक्शंस डाल रही हूँ वो रीजनेबल होने चाहिए. आई कांट से कि भाई यू कांट कैरी ऑन बिजनेस फॉर एवर एनी वेयर इन इंडिया. सच एग्रीमेंट्स विल बी वॉइड. देन यू हैव पार्टनर्स एग्रीमेंट. देखो पार्टनर्स एग्री कर लेते हैं कि ड्यूरिंग द पार्टनरशिप दे विल नॉट कैरी ऑन बिजनेस अदर देन दैट ऑफ द फर्म. ये रिस्ट्रिक्शंस वैलिड है. हम चाहते हैं कि आप पार्टनरशिप बिजनेस पे ही कॉन्सेंट्रेट करो. हम ये चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी आप इस पर्टिकुलर एरिया में 2 साल तक बिजनेस ना करो. सच रीस्ट्रेनिंग एग्रीमेंट्स आर वैलिड प्रोवाइडेड द रिस्ट्रिक्शंस आर रीजनेबल. सर्विस एग्रीमेंट, जैसे सर्विस बॉन्ड साइन करवा दिया, या फिर मैंने आपको बोला कि जब आप यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में हो तो आप कोई दूसरी एंगेजमेंट नहीं ले सकते. जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोला कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप कंपनी में काम नहीं कर सकते, कॉरपोरेट में काम नहीं कर सकते. ऐसी रिस्ट्रिक्शंस वैलिड होंगी. एक बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि एक फिजिशियन है या फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने अपना असिस्टेंट रखा है, असिस्टेंट को बोला है कि तू 2 साल तक कहीं और पे काम नहीं कर सकता जब तक तू मेरा असिस्टेंट है. सच रिस्ट्रिक्शन इज़ वैलिड प्रोवाइडेड इट इज़ रीजनेबल. कंपनी छोड़ के भी 2 साल तक इधर और काम मत करना, या फिर 6 महीने तक कॉम्पिटिटर के पास काम मत करना. ऐसे रिस्ट्रिक्शंस वैलिड हैं अगर वो रीजनेबल हैं. देन वी हैव सेक्शन 28 एग्रीमेंट्स एंड रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग. देखो आप किसी को भी केस करने से रोक तो नहीं सकते, सबके पास लीगल राइट तो है. अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज लिख दिया कि आप कॉन्ट्रैक्ट अगर मैंने ब्रीच भी कर दिया ना तो भी मेरे पे केस नहीं कर पाओगे. ये क्या बात हुई भाई, हमको लॉ ने राइट दिया है अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया तो मैं तो क्या केस करूँगी. लेकिन अगर आर्बिट्रेशन की एग्रीमेंट हो जाती, जैसे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेंगे, कोर्ट में नहीं जाएंगे, सच एग्रीमेंट्स आर वैलिड, क्योंकि आप केस फाइल करने की तो राइट दे रहे हो ना, कोर्ट में ना जाके आर्बिट्रेशन में चले जाएंगे. अच्छा, मैं जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है उसको रिड्यूस भी नहीं कर सकती. जैसे मैंने आपको बोला कि आप 2 साल के बाद ही केस, 2 साल तक केस कर सकते, उसके बाद नहीं कर सकते. अरे लॉ ने मेरे को 3 साल का टाइम दिया, लॉ ऑफ लिमिटेशन बोलता है कि मैं 3 साल तक केस फाइल कर सकती हूँ, तुम मुझे ऐसे के रोक नहीं सकते हो. लॉ ने जब 3 साल का टाइम दिया, तुमको एग्रीमेंट में लिख के ये नहीं बोल सकती नहीं नहीं 2 साल में केस करो, उसके बाद नहीं कर सकते. सच रिस्ट्रेनिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड. बाकी का तो हमने डिस्कस कर ही लिया था लास्ट टाइम. अनसर्टन एग्रीमेंट्स, वेजरिंग एग्रीमेंट्स, ये सब हमने लास्ट टाइम ही डिस्कस कर लिया था अनसर्टन एग्रीमेंट्स में. तो इसी के साथ हमारा आज का ऑडियो सेशन कंप्लीट होता है. मुझे तो रिकॉर्ड करने में बहुत मज़ा आ रहा है. आई होप कि आपको भी सारे कॉन्सेप्ट्स रिकॉल हो रहे होंगे. स्टूडेंट्स, वी हैव अ स्पेशल डाउट सॉल्विंग ग्रुप फॉर फाउंडेशन स्टूडेंट्स, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर गिवन ऑन द वेबसाइट. मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूँगी, जो भी डाउट सॉल्विंग का व्हाट्सएप ग्रुप है. एग्जाम के टाइम पर बहुत हेल्प हो जाती है. और आप मुझे डाउट्स भी पूछ सकते हो ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. नंबर इज़ गिवन ऑन माई वेबसाइट. ठीक है, तो चलो अगले ऑडियो नोट में आपसे मिलूंगी. और देखते रहना हमारा जो मैराथन रिवीजन है, रिकॉल रिवीजन हम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए. देखते हैं कि जो ये सब अभी हम पढ़ रहे हैं ऑडियो नोट्स वगैरह से, क्या वो हम अच्छे से रिकॉल कर पाते हैं कि नहीं. तो जो भी मेरी टेक्स्ट बुक है उसमें से हम सारे कीवर्ड्स और फ्रेजेस और एग्जांपल्स रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, लिख के प्रैक्टिस करेंगे. डिफरेंट टाइप का रिवीजन है. सो आई विल सी यू देयर.